सो गाइज वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5। सो गाइज आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि माइकल ना आज अपनी ड्रीम कार इनोवा 2022 मॉडल की डिलीवरी लेने जा रहा है। यार गाइज इस गाड़ी का वेट ना माइकल पिछले 3 महीने से कर रहा था, क्योंकि यार इसकी बहुत ज्यादा लंबी वेटिंग चल रही थी। और यार कल रात को ना मेरे को सिमियन का कॉल आया कि तुम्हारी गाड़ी आ चुकी है, तो फटाफट से फुल पेमेंट करो और उसकी डिलीवरी ले जाओ। तो यार मैं फटाफट से पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ। यार आज कौन सा कपड़ा पहनूँ ये अच्छा नहीं है गाइस, कोई और देखता हूँ। फटाफट से गाइस मैं हुडी पहन लेता हूँ, क्योंकि यार बाहर भी थोड़ी ज़्यादा ठंडी हो रखी है। कौन सी हुडी लूँ यार, ये पीले कलर वाली ठीक है। चलो अब नीचे गाइस मैं कोई अच्छी सी एक पैंट पहन लेता हूँ, एंड देन निकलते हैं अपने आज के शुभ काम को करने के लिए। और यार एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यार मैं बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है इस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, तो चलो मैं एक छोटा सा ही टारगेट रखता हूँ। चलो कम से कम हम 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। होप करता हूँ गाइज आप लोग कंप्लीट कर दोगे। अगर आप लोग ये टारगेट कंप्लीट कर देते हो लाइक का, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में ना बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। भाई हम लोग अपनी नई कार की डिलीवरी लेने जा रहे, तो क्यों ना गाइज अमांडा या ट्रेसी या जिमी में से किसी को ले चले। तो गाइज ट्रेसी के रूम में तो ट्रेसी नहीं है, तो चलो देखते हैं जिमी का रूम चेक करके। आई थिंक गाइज वो भी रूम में नहीं होगा, क्योंकि यार उसका रूम तो खुला पड़ा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। गाइज देख रहे हो यार इसका रूम कितना ज़्यादा गंदा पड़ा है। अब यार जिमी ट्रेसी तो अपने रूम में नहीं है, शायद गाइज ट्रेसी नीचे हो सकती है, तो चलो अपन लोग नीचे चलते हैं देख के आते हैं। तो ये रही गाइज अपने काम वाली भाई, जो कि दिन भर गाइज काम करने के अलावा हर कुछ करती है। और भाई चलता हूँ गाइज मैं अरे यार गाइज मैं तो भूल गया था, मेरे को तो लेना है यहाँ से ट्रेसी को या तो अमेंडा को। देखते गाइज ट्रेसी या अमेंडा में से कोई भी घर पे है या नहीं, तो यार कोई तो मिल जाओ यार। फैमिली कार की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ गाइज। और देखो गाइज ट्रेसी यहाँ पे मिल चुकी थी, लेकिन गाइज ट्रेसी ने बोला कि मेरे को अभी डांस करना है, डांस सीखना है, तो गाइज वो तो हमारे साथ नहीं चल रही है, तो चलो हमको अकेले ही जाना होगा। ये रही गाइज अपनी बोलेरो, और गाइज इसी से मैं जाने वाला हूँ आज अपनी कार की डिलीवरी लेने के लिए। इसको मैंने ना फुल ब्लैक कलर में करा रखा है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना इस पे ब्लैक कलर ना कैसा लग रहा है। वैसे तो गाइज ब्लैक कलर हर किसी गाड़ी पे ही जचता है। और यार इसका इंटीरियर देखो, ज़्यादा कोई खास इंटीरियर नहीं है, क्योंकि यार ये ना एकदम बिल्कुल ही बेस मॉडल है। अब गाइज क्योंकि ये मेरा लॉन्ग वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, तो मैं ना आप लोगों को एक प्यारा सा ऑफर देता हूँ। अगर गाइज आप लोग ना ये लाइक टारगेट जो 50 लाइक्स का टारगेट है, ये 3 दिन के अंदर अगर करवा देते हो, तो आप लोग जो भी कार कमेंट करोगे, लिटरली जो भी कार कमेंट करोगे, मैं उसकी डिलीवरी का वीडियो बनाऊंगा। और गाइज उसके साथ मैं ऑफ रोडिंग भी करूंगा तगड़ा वाला। तो फटाफट से लाइक कर देना और अपना चैलेंज भाई कमेंट कर देना कि मैं कौन सी कार खरीदूँ। गाइज आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार मैं जिस कार की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ वो एक तो मेरी फेवरेट कार है, ऊपर से गाइज उस कार को लेने के लिए ना मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम तक वेट किया है। तो आज जाके उस कार की हम लोग डिलीवरी लेंगे फाइनली गाइज। तो देखो यार मैं ना अपनी बोलेरो को यहीं मॉल की पार्किंग में पार्क कर देता हूँ, क्योंकि उस तरफ यार पार्किंग नहीं मिलेगी, तो मैं फटाफट से इसको पार्क करता हूँ। निकलते हैं अपने सिमियन के शोरूम के लिए, क्योंकि भाई सिमियन का शोरूम यहीं पे बगल में है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे दूर क्यों पार्क करूँ गाइज। ऑलराइट गाइज यार यहाँ पे मैंने पार्क कर दिया है गाड़ी को, अब चलते हैं अपने सिमियन भैया के शोरूम के लिए। ये रहा गाइज मेरा बैग, जिसमें पूरे के पूरे 40 लाख रुपए हैं, लिटरली गाइज 40 लाख रुपीज़। लेकिन गाइज यार अभी जो इनोवा का जो प्राइस है ना वो 70 लाख है अप्रॉक्स, लेकिन गाइज मेरे पास अभी 30 लाख की कमी है। अब देखते हैं यार अपने सिमियन भैया से मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ गाइज, जिससे अभी हमको ये 40 लाख के अंदर मिल जाए गाड़ी। वैसे तो गाइज यार मेरे को ना पूरा भरोसा है कि अपने को सिमियन 40 लाख के अंदर ये गाड़ी अभी दे देगा, क्योंकि यार माइकल का पूरा माफिया वाला बैकग्राउंड है। अगर ये हमसे पंगा लेगा तो गाइज इसको तो हम लोग समझ रहे हो, मतलब अपन लोग इसकी बैंड बजा देंगे अगर ये हमसे पंगा लेगा। तो ये देखो गाइज अपनी प्यारी इनोवा 2022 मॉडल, एक बार गाइज आप लोग इसका लुक चेक करो भाई, व्हाइट कलर में भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। भाई इसका पेंट देखो एक बार गाइज, क्या ही तगड़ा है गाइज, मतलब आगे पीछे हर तरफ से गाइज इसका लुक ना बिल्कुल एक नंबर है। अब मैं इसका आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, क्योंकि भाई 2022 मॉडल में ना सबसे बेस्ट इंटीरियर दिया है टोयोटा वालों ने। गाइज एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ये रही भाई इसकी लाइट्स, कुछ देखो इस तरह की लाइट्स है भाई। इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखो भाई, सबसे तगड़ा तो मुझे गाइज इसका इंडिकेटर लग रहा है। ओ भाई साहब गाइज इंटीरियर देखो, पूरा वुडन फिनिश है गाइज, जैसा मैंने गाइज बोला था ना, एकदम ये गाड़ी बिल्कुल तगड़ी है। और गाइज सारी सीट्स पर आप लोग देख सकते हो भाई, क्रिस्टा की बैजिंग की हुई है पूरी। गाइज अपने सिमियन भैया के शोरूम पे ना सबसे बेस्ट इंडियन कार्स होती है। देखते भाई कोई और इंडियन कार भी है तो मैं आपको ना उसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो देखो यार यहाँ पे पास में कोई स्कॉर्पियो का मॉडल खड़ा है। अरे यार गाइज मैंने गलती से इन भैया को ठोक क्या दिया भाई, ये तो गाइज पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। गाइज अब फटाफट से इन भैया की खातिरदारी करते हैं, वरना गाइज ये पीछे पड़े ही रहेंगे। ये ले भाई गाइज फाइनली हमने इनकी बैंड बजा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी इस स्कॉर्पियो का ना इंटीरियर, पहले देख लेते गाइज ये कौन सा मॉडल है। वैसे गाइज यार ये है स्कॉर्पियो की क्लासिक S11 भाई, यानी कि गाइज ये टॉप मॉडल गाड़ी है, S11 है, यानी कि गाइज इसका इंटीरियर तगड़ा होने वाला है। और गाइज जैसा मैंने बोला था, देखो इसका इंटीरियर, मतलब गाइज बिल्कुल ना मस्त इंटीरियर दिया है महिंद्रा वालों ने इसमें भी। वैसे गाइज मैं तो खरीदने वाला हूँ इनोवा,
बाद में अगर गाइज मेरे को पैसे आते हैं देन मैं गाइज स्कॉर्पियो क्लासिक लेने की सोचूंगा। लेकिन गाइज इसमें देखो लैम्प्स मेरे को पसंद आए, जो हेड लैम्प्स है वो नॉर्मल है एकदम, लेकिन गाइज अपनी इनोवा मैंने बेस्ट हेड लैम्प्स है। और भाई ये देखो यार फॉर्चुनर 2022 मॉडल, वो भी गाइज इसके शीशे देखो एक बार जेड ब्लैक करा रखे हैं। चलो भाई फटाफट से इसे बात करते हैं। ऑलराइट गाइज यार हमने ना सिमियोन भैया को मना लिया 40 लाख रुपए में अपनी इनोवा लेने के लिए। तो गाइज 5 मिनट हमको वेट करना होगा और 5 मिनट के अंदर ना अपने सिमियोन भाई गाड़ी को ना डिलीवरी के लिए रेडी कर देंगे। तो गाइज फाइनली अपनी गाड़ी ना रेडी हो चुकी है डिलीवरी के लिए, फुल वुल लग चुके हैं। अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से ना अपनी इनोवा को लेकर सबसे पहले अपने दोस्त के गराज पे, क्योंकि देखो यार अपन को चाहिए माफिया लुक। अब माफिया लुक कहाँ मिलेगी, मॉडिफाई कराने के बाद मिलेगी। तो चलो फटाफट से ना अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई कराते, ज़्यादा भी नहीं करवाएंगे। गाइज अब मैं फटाफट से जाने वाला हूँ अपने फ्रेंड के गराज पे, क्योंकि गाइज फ्रेंड का गराज काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो अपनी बोलेरो तो अभी यहीं पे रहेगी मॉल की पार्किंग में। मैं इसको बाद में आके ले जाऊँगा या मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर दूंगा, वो यहाँ से ना मेरे घर पे छोड़ देगा बोलेरो को। तो देखो यार क्या ही तगड़ी लग रही है गाइज व्हाइट कलर में, लेकिन गाइज मैं ना इसको व्हाइट कलर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यार देखो मेरे को ब्लैक कलर ज़्यादा इस पर अच्छा लगेगा। तो मैं जा रहा हूँ पहले अपने दोस्त के गराज पे, वहाँ से मेरा काम सारा मुफ्त में हो जाएगा, हम लोग को ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो गाइज यार यहाँ पर मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम हो चुका है। मैं अभी हाईवे पे हूँ, अभी भी मेरे फ्रेंड का जो गराज है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तब तक गाइज मैं आपको एक बार फिर से ना याद दिला देता हूँ कि आपको करना है इस वीडियो पे एक लाइक। अगर इस वीडियो में ना 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं 3 दिन के अंदर, तो मैं ना कोई भी एक कार जो आप बोलोगे उसकी डिलीवरी लेने जाऊँगा, एंड उससे मस्त वाली ऑफ रोडिंग भी हम लोग करने वाले हैं। अब यार गाइज लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कर सकते हो यार, तो एक लाइक कर देना। और चाहो तो गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको ये कंटेंट देखना पसंद है तो अभी गाइज सब्सक्राइब करना, वरना गाइज मत करना, क्योंकि यार बहुत लोग तो सब्सक्राइब कर देते हैं पर गाइज वीडियोस नहीं देखते। तो गाइज अपन लोग लगभग पहुँच चुके हैं अपने फ्रेंड के गैराज पे, एंड चलते हैं फटाफट से यार, जो जो चीज़ हमको मॉडिफाई करानी है फटाफट से यहाँ से कराते हैं, क्योंकि यार वो अपना फ्रेंड है, हमसे पैसे लेगा नहीं वो। अभी मैं गाइस सबसे पहले ना अपनी गाड़ी का कलर चेंज करूंगा, गाड़ी का गाइस कलर चेंज करके मैं ना इसको मेटेलिक ब्लैक करवाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा गाइस साइन भी करती है। ऊपर से गाइस मैं ना अपने जो हेड लैम्प है उसकी जो लाइट्स है ना उसको चेंज करवाऊंगा। तो ये रहा अपना गराज अपने फ्रेंड का, फटाफट से यार ये ओपन हो रहा है, चलते हैं फटाफट से करा के आते हैं। ऑलराइट गाइज यार यहाँ पे मैंने मेटेलिक ब्लैक कलर करवा लिया है, वो भी गाइज बिल्कुल मुफ्त में। और देखो भाई मैंने इसकी लाइट्स को मॉडिफाई कर दिया है, बिल्कुल गाइज जेनॉन लाइट्स लगवा दिया, वो भी बिल्कुल ब्लू कलर की। अब देखो यार मैं जिस अभी इलाके में हूँ यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, चलते हैं यार थोड़ा सा ऑफ रोड करते हैं, देखते हैं यार इनोवा का सस्पेंशन किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। वैसे गाइज आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इनोवा पे कौन सा कलर बेस्ट लगता है, तब अगर गाइज ज़्यादा अगर आपके कमेंट पे वोट्स आएंगे या लाइक्स आएंगे देन गाइज मैं ना इस इनोवा को उसी कलर में करवाऊंगा जैसा आप बोलोगे, तो भाई कमेंट करना मत भूलना। तो देखो गाइज यार ये रहा सामने खेत, लेकिन यहाँ पे गाइज बैरिगेड है, चलते हैं कोई आगे वाले खेत में जहाँ पे गाइज बैरिगेड ना हो, एंड अपनी इनोवा को घुसाते हैं खेत के अंदर। वैसे तो गाइज ये एक ऑफ रोड कार ही है समझ लो, तो गाइज ये ऑफ रोडिंग में तो हम लोग को धोखा नहीं देने वाली। यहाँ पे देखो गाइज कितना ज़्यादा गड्ढा है, और भाई निकल जा गाइज, मैंने अभी तक गियर चेंज नहीं किया गाइज, फर्स्ट गियर पे ही देख सकते हो निकल गई अपनी गाड़ी। वैसे गाइज काफ़ी ज़्यादा गड्ढा था यहाँ पे निकलना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अपनी इनोवा ने फर्स्ट गियर पे ही यहाँ पे कमाल कर दिया गाइज। वैसे तो गाइज कुछ ही दिन के बाद अगर लाइक टारगेट कंप्लीट होता है तो मैं ना इसका नेक्स्ट फुल ऑफ रोडिंग का वीडियो बनाऊंगा, उसमें गाइज थार भी होगी, अपनी फॉर्चुनर भी होगी, और भी आप जो भी गाड़ी बोलोगे उसको भी मैं उस वीडियो में लाने का ट्रैक करूंगा यहाँ पे। लेकिन गाइज लेकिन तभी होगा ये जब आप लाइक टारगेट को कंप्लीट करोगे। तो देखो यार मैं आ चुका हूँ खेत के अंदर, भाई इसके सस्पेंशन देखो बिल्कुल यार मक्खन वर्क कर रहे हैं, लेकिन गाइज अपनी न्यू कार है तो थोड़ी सी गंदी हो रही है, पर यार कोई बात नहीं यार ऑफ रोड में तो थोड़ा मोड़ा गाइज गाड़ी गंदी होती ही है। अब अपन अपना पिछले वाले टायर से गाइस करते हैं थोड़ा सा बर्न आउट, और देखते गाइस देखो यार भाई इंजन में पावर तो है गाइस इनोवा की, बोलनी पड़ेगी गाइस। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, और देखो गाइस क्या ही मतलब बहुत ही स्मूथ जा रहा है गाइस, कोई भी काम आप लोग कर रहे हो ना इसके इंजन से भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो रहा है। एंड गाइस अब निकलते हैं अपने खेत से, क्योंकि यार अपनी नई गाड़ी है, ज़्यादा गंदी आज नहीं करेंगे हम लोग। यार देखो भाई यहाँ पे भाई कुछ ज़्यादा ही गड्ढा है, अगर इस गड्ढे में चली गई तो भाई निकलने के लिए तो हम लोग को क्रेन मंगवानी पड़ेगी। तो छोड़ो गाइस अपन लोग बच बच के निकलते हैं फटाफट से इधर से। एंड गाइस यार देखो फुल ऑफ रोडिंग का एपिसोड चाहते हो तो जो मैंने बोला कर देना यार, क्योंकि देखो मैं बहुत दिन के बाद वीडियो ला रहा हूँ लॉन्ग, ऊपर से गाइस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक कर देना। एंड गाइस चेक करो भाई थोड़ी ज़्यादा गंदी हो गई है गाड़ी, बट गाइस यार ब्लैक कलर में ना लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा मस्त आ रही। गाइज यार आप लोग जैसे ही ना 50 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करोगे वैसे ही गाइज मैं नेक्स्ट डे ही ना सुबह सुबह वीडियो डाल दूंगा, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप फुल एंटरटेन हो जाओगे यार। अभी देखो तो मतलब जो हम लोग की ऑफ रोडिंग वाली वीडियो होने वाली वो काफ़ी तगड़ी होगी। देखो गाइज तगड़ी इसलिए होगी क्योंकि उसके अंदर हम लोग थार को लेके आने वाले, अपनी फॉर्चुनर को भी लेके आने वाले। तो देखो आज का एपिसोड यहीं तक था, अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट कर देना कि भाई अच्छा लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।